तो दोस्तों ये है फ्रेश एयर फैन और मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत ही हल्का होता है कंपैरिजन टू ट्रांस एयर फैन के। तो ये देखिए एक तो हल्की सी पत्तियों में असेंबल होता है और इसमें बुश होता है, बुश और शाफ्ट का इसमें कॉम्बिनेशन होता है जो कि इसको रोटेशन में हेल्प करता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका बुश होता है और ये इसका स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं कुछ। तो ये इनपुट 60 वाट का होता है और कैपेसिटर इसमें 2.25 MFD का लगा होता है। तो ये 2024 का ही मैंने लिया था, जो है 2024 में ही, और इसको यूज़ किया था बट ये ज़्यादा चला नहीं दोस्तों। ये 2-3 महीने बाद मेरे को इसमें प्रॉब्लम आई, बहुत ही नॉइज़ हो गया ये और बहुत ही वाइब्रेशन होने लगी इसके, तो जिस कारण मुझे ये चेंज करना हुआ। तो मैं बता देता हूँ आपको, एक तो ये देखिए लाइट वेट होता है, हल्की हल्की इसमें पत्तियाँ होती हैं, और ये देखिए 5-24 5वें महीने और 2024 में मैंने ये लिया था बट ये चला नहीं ज़्यादा दिन तक जैसा कि इसमें मेरे को आशा थी। तो दोस्तों ये जो है बेसिकली कॉपर और एल्युमिनियम दो वाइंडिंगों में आता है और ज़्यादातर ये आपको एल्युमिनियम में ही मिलेगा। ये बहुत ही हल्का होता है, सस्ता होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसको जो है सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं। सस्ती चीज़ हमेशा परेशान करती है, आज नहीं तो कल करेगी। तो ये सस्ते के चक्कर में आप इससे बचें इसको लेने से। इसका ऑप्शन क्या लेना है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ट्रांस एयर फैन जो होता है जो कि बेयरिंग से, जिसमें दो बेयरिंग होते हैं और जो है वो बहुत ही ज़्यादा, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है चलने में भी, लाइफ जो है उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है इससे। तो ये एक बहुत ही हल्की चीज़ है, सस्ती चीज़ है दोस्तों, तो ये सूटेबल नहीं होती। मैं इसको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा आप कभी भी इसको लें। देखिए दोस्तों ये है वोस्क कंपनी का ट्रांस एयर फैन। तो सबसे पहली बात दोस्तों आपको देखने से भी पता लग रहा होगा ये फ्रेश एयर फैन से तो काफ़ी हैवी है, हैवी मटेरियल में है और इसके ब्लेड है और इसकी जो पत्ती हैं वो भी काफ़ी हैवी है। तो चार ब्लेड इसमें आते हैं, चार ब्लेड चार पंखड़ी वाला जो है इसमें पंखड़ी होती है और ये एग्जास्ट किट जैसा ही दिखेगा आपको, बट इसका एयर फ्लो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है और इसमें नॉइज़ भी बहुत ही कम होते हैं दोस्तों। इसका ऑपरेशन भी मैं दिखा दूंगा आपको ये चलता हुआ। तो ये पत्ती भी इसकी हैवी होती है जिससे कि ये वाइब्रेशन ना करे, और ये हैवी होता है तो ये वाइब्रेशन करने के चांसेस इसके कम होते हैं। चार ब्लेड होते हैं इसमें और इसमें जो है दो बेयरिंग होते हैं, एक शाफ्ट के जो है दो, एक इस एंड पे जो है बेयरिंग होता है और एक जो है दूसरे एंड पे बेयरिंग यहाँ पर होता है इसके ढक्कन के पीछे। तो ये बहुत ही हैवी है और इसमें देखिए दोस्तों ये वोस्क कंपनी का डबल बल्ब बेयरिंग इसमें लिखा हुआ है ट्रांस एयर फैन। तो ये पाउडर कोटिंग में हो रखा है पूरा का पूरा फ़ैन, तो एक देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और फ्रेश एयर फैन से तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हैवी है, मतलब चीज़ क्वालिटी आपको देखने से ही जज हो जाती है। बाकी ये कॉपर वाइंडिंग में तो चलने में भी बहुत अच्छा है, इसकी 1 साल की गारंटी है और वही 18 वाट का इसका आउटपुट है और इसका मैक्सिमम स्पीड जो है 1325 RPM इसमें दे रखा है मिनिमम स्पीड। तो ये बहुत ही एक अच्छा है, इसका स्पेसिफिकेशन आप यहाँ भी देख सकते हैं एग्जास्ट फैन। और ये जो है दोस्तों जो फ्रेश एयर फैन है उससे काफ़ी क्वालिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। देखिए दोस्तों ये है फ्रेश एयर फैन जो मेरा पुराना लगा हुआ था और इसकी देखिए कंडीशन क्या हो गई है। ये जो है बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन और आवाज़ करता है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको रिप्लेस किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ नया वाला, ये देखिए दोस्तों ये मैंने नया वाला ट्रांस एयर फैन जो है ये बहुत ही अच्छा देखने में भी लग रहा है और इसका वर्किंग भी उससे बहुत ही बेटर है दोस्तों। नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं है इसमें दोस्तों, आप देख सकते हैं।